अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी नजीबुल्ला मोहम्मद सलीम एंड यू आर वॉचिंग टेक एंड टीचर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे 3 टॉप इस्लामिक एप्स लेकर आया हूँ जो कि मुझे लगता है कि हर मुसलमान को यूज़ करना चाहिए। ये ऐप्स दोस्तों बहुत ही मशहूर ऐप्स है और शायद आपको थोड़े बहुत पता भी हो। तो मैं ये 3 ऐप्स सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लाया हूँ ताकि हमारे जो प्रॉब्लम्स है, जो दुआएँ हैं, वो हमें याद हो जाए, जो हमें मौका नहीं मिलता मदरसे जाने का या किसी और जगह, तो इस ऐप के थ्रू हम ये सब सीख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये 3 ऐप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, मेरे लिए। तो वीडियो पसंद आए तो लास्ट तक ज़रूर देखिए और लाइक ज़रूर टोगे। चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन तरफ और मैं वहाँ पे आपको बताता हूँ कि ये ऐप्स आपको क्या करना है, कौन से ऐप्स हैं। इन सब के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसके क्या क्या फ़ायदे, सब मैं आपको बताता हूँ फुल डिटेल से। तो होप कि आप ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे और ज़रूर देखेंगे। चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ और इस ऐप का जो टॉप नंबर 1 पे मैंने रखा है, इस ऐप का नाम है इस्लाम 360। दोस्तों, ये बहुत ही मशहूर ऐप और तकरीबन अबव 2 मिलियन लोगों ने इसको डाउनलोड कर लिया है। दोस्तों, तो हम आते ही इस ऐप के अंदर, आप इसको जब खोलेंगे तो ये आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मांगेगा, आप उसे ओके दबा देना है। दोस्तों, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन पे आऊँगा कुरान के लिहाज से। तो कुरान के ऊपर क्लिक करूँगा तो दोस्तों यहाँ पे कुछ ऑप्शन मुझे इस तरह दे रहा है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कुरान का, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारी कुरान की जितनी भी सूराज है वो तमाम के तमाम यहाँ पर आ चुकी है। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर दबाएँगे बाय पारा तो जो पहला, दूसरा, तीसरा पारा होगा उसके लिहाज से दोस्तों आपके पास इस तरह कुछ जो है वो अरबी के जो है ना हमारे कुरान मजीद की रिसाइटेशन सारी यहाँ पे आ जाएगी। अगर मैं बाई सूरह पे यहाँ पे आके कोई भी सूरह सूरह फातिहा पे मैं क्लिक करता हूँ, दोस्तों यहाँ पे सारी फातिहा आ गई आयत बाय आयत, यानी कि एक एक आयत आ गई दोस्तों, और उसका नीचे तर्जुमा भी उर्दू में आ चुका है। दोस्तों, तो इस तरह अगर आप बाई पारा करेंगे तो बाई पारा दोस्तों बहुत सारे पारे हमारे पास 30 पारे होते हैं, तो उन सारे पारे की आयत आयत इस तरह आ जाएगी तर्जुमे के साथ। तो मैं बैक चलता हूँ दोस्तों, यहाँ पे सर्च करता हूँ और सर्च में आपको जो भी सर्च करना है, कोई भी वर्ड सर्च करना है अरबी का या जो भी आप उसको हिंदी में इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हो, तो वो यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा। और तीसरे की तरफ मैं चलता हूँ होली कुरान सब्जेक्ट्स के थ्रू। दोस्तों, तो यहाँ पर बहुत सारे मसाइल थे, सपोज़ यहाँ पर एक मसला है एवोल्यूशन यानी कि वज़ू का, तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, इसके जो भी हदीस जो साबित होगा दोस्तों वो सारा का सारा यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। दोस्तों, तो चलते हैं हम बैक। इसके अंदर और भी बहुत अमेजिंग फीचर्स है दोस्तों, वर्ड बाय वर्ड आयात, दोस्तों एक एक लफ्ज़ जो आयात होती है वो आपके सामने आ जाएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह दोस्तों तर्जुमे के साथ। तो चलते हैं हम पीछे दोस्तों, और यहाँ पर मैं देखता हूँ हदीस की तरफ मैं चलता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी हदीस है दोस्तों, अलबुखारी, अलमुस्लिम, अलतरमिज़िया, अबू दाऊद, ये सारे के सारे आपके पास आ जाएंगे। तो सपोज़ मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे अल बुखारी की हदीस सर्च कर रहा हूँ, दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी हदीसें आपके पास आ जाएगी दोस्तों, इसका उर्दू का तर्जुमा और इसका जो जितना यानी कि कुछ हदीस में ये किस नंबर पे दोस्तों, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी, ये सारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद मैं आऊँगा होम पे। होम पे आने के बाद जो आयात ऑफ द मोमेंट होगा दोस्तों, ये हर जगह अपडेट होती रहती है, तो वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। दोस्तों, नीचे हम चलते हैं तो हदीस ऑफ़ द मोमेंट्स, ठीक है, तो ये सारी इनकी दुआ वगैरह, कुरानी वर्ड ऑफ़ द मोमेंट, ये सारी यहाँ पे आ जाएगी। जो इस्लामिक इवेंट्स यानी कि इवेंट कब आने वाला है दोस्तों, ये सारी के सारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। दोस्तों, तो फिर मैं आता हूँ दोस्तों इबादत के ऑप्शन पर। इबादत के ऑप्शन पर आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इसने आपको सारी इस्लामिक डिटेल्स दे दिए। तो मैं चलता हूँ सर नमाज की तरफ, तो नमाज के अंदर क्या क्या इसका रुकू है, क्या क्या इसके फ़र्ज़ है, क्या वाजिबात है दोस्तों, सारे के सारे यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। बैक चलता हूँ रोज़े के लिहाज से, दोस्तों रोज़े अफ्तारी करते वक्त की दुआ, अफ्तार करने के बाद की दुआ, ये सारी आपके यहाँ पास आ जाएगी। और यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा हज पे, तो हज इंग्लिश और उर्दू आपको दोनों में दी दोस्तों। मैं सपोज़ मैं उर्दू सेलेक्ट करता हूँ, तो हज का जो है क्या गाइडेंस होता है, क्या इसकी हिदायत होती है, पहले क्या करना है फिर क्या करना है वगैरह वगैरह, तो ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप किसी भी क्लिक करेंगे तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन सर यूट्यूब में खुल जाएगी दोस्तों, इनकी अपनी भी एप्लीकेशन होती हैं। तो मैं चलता हूँ बैक और दोस्तों, और यहाँ पे आप देख सकते हैं उम्र के लिहाज से जो भी इन्फॉर्मेशन है इंग्लिश उर्दू में वो भी आपको दे दिए दोस्तों। नमाज जनाजा यानी कि नमाज जनाजा, बच्चे की नमाज जनाजा की दुआएँ वगैरह सब आपको यहाँ पर दोस्तों मिल जाती है। तो मैं चलता हूँ बैक दोस्तों, और यहाँ पर मैं देखता हूँ मोर पर आता हूँ। मोर पर दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल के ऑप्शन है दोस्तों। मैं सबसे पहले पे आता हूँ शेयर ग्रेटिंग्स पे, यानी कि आप किसी को सलाम दुआ करना चाहते हैं दोस्तों, यहाँ पे इस तरह आ जाएंगे दोस्तों, बहुत सारे वॉलपेपर्स हैं और बहुत सारे अस्सलाम वालेकुम, ये जुम्मा मुबारक वगैरह सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे दोस्तों। ये फिर आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया पर, व्हाट्सअप वगैरह पर। तो मैं चलता हूँ बैक दोस्तों, और प्रेयर टाइम दोस्तों आप जिस
जहाँ कहीं भी है दोस्तों, ये आपको सारे के सारे आपको यार दोस्तों यहाँ पे आपने लोकेशन डाल देना, मैंने कराची डाल दिए, तो यानी कि क्या औकात होते हैं नमाज के, वो सारे के सारे दोस्तों आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे दोस्तों। तस्बीह की तरफ चलता हूँ दोस्तों, ये बहुत ही कमाल का ऑप्शन है दोस्तों। आप जिस तरह एक दफ़ा टैप करेंगे, सपोज आप 33 दफ़ा चाह रहे या 90 दफ़ा चाह रहे 99 दफ़ा चाह रहे, वो यहाँ पे आ जाएंगे। सपोज़ मैं 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, जिस तरह टैप करूँगा तो यहाँ पे 1 2 3 4 अल्हम्दुलिल्लाह 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 इस तरह दोस्तों बढ़ता जाएगा, आपको फिर पता चल जाएगा दोस्तों। इसके अलावा मैं आऊँगा अल्लाह नेम से, अल्लाह के जितने भी नाम से 99 है, तो वो सारे के सारे दोस्तों यहाँ पे आ जाएंगे दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं मोहम्मद नेम से दोस्तों, ज़रा इस तरह दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है क़िबला डायरेक्शन। हम से यानी हम जितने भी लोग दोस्तों मेरे साथ, हमें सही एक्यूरेट पता नहीं होता कि क़िबले का जो यानी कि क़िबला किस तरफ है, ये हमें पता नहीं होता, तो ये आपको बिल्कुल परफेक्ट डायरेक्शन, आपका मोबाइल जहाँ कहीं भी सीधा रखकर ये आपको पता लगे क़िबला जो है अभी इस तरफ है दोस्तों। तो मैं इसको थोड़ा सा घुमाता हूँ दोस्तों, तो आप देख सकते हैं क़िबला का डायरेक्शन वो है चेंज होता जा रहा है दोस्तों। इस तरह आप यहाँ पर बहुत सारे फ़ायदे उठा सकते हैं इसमें दोस्तों, बहुत सारे और भी बहुत सारे। टॉप नंबर वन इसलिए मैंने रखा दोस्तों क्योंकि ये जो ऐप है मेरे ख्याल से मुसलमानों के लिए सबसे बेहतरीन ऐप है दोस्तों। अभी चलते हैं अपने दूसरे ऐप की तरफ, और दोस्तों जो दूसरी ऐप है वो है दोस्तों मुस्लिम प्रो। ये बहुत ही ज़बरदस्त ऐप दोस्तों, यहाँ पे मैं उर्दू में सेलेक्ट करता हूँ दोस्तों, इसको कन्फर्म कर लेता हूँ ठीक है दोस्तों। अगर आप स्किप करना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं दोस्तों। एक सारे मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि दोस्तों आप वीडियो अपलोड करें VPN पे, तो इंशाल्लाह VPN पे भी आने वाला हो दोस्तों। यहाँ पे आप सारे ये इसको ऑन कर देना दोस्तों, इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ ऐसे मिलेंगे मंसूख करे इतलात फराहम करे दोस्तों। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बिल्कुल उर्दू में दोस्तों, कोई इंग्लिश में इसमें अंदर कोई जगह नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे आप औकात नमाज इसे भी मालूम कर सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल उर्दू में आपको समझ में आ जाएगा किस टाइम है किस टाइम नहीं है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आप बैक आएंगे दोस्तों, तो आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, बहुत कमाल के ऑप्शन, कुरान, क़िबला, ख़बरें व वसीयत के लिहाज से दोस्तों, हलाल मकामात यानी कि कौन सी जगह आपको चाहिए जहाँ पर आपको हलाल चीज़ें मिल सकती है दोस्तों, तो वो सब आप यहाँ पर अपनी लोकेशन से ट्रेस कर सकते हैं और मालूम कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं इस ऑप्शन को भी छोड़ देता हूँ, पीछे आता हूँ दोस्तों, और यहाँ पर मैं बहुत सारे ऑप्शन और देखता हूँ। यहाँ पे 99 नाम रोज़ाना की हौसला अफजाई ठीक है दोस्तों, इस्लामी कैलेंडर, दुआएं देख सकते हैं आप, पैगामात, ये आप सब देखते, ज़कवात, शहादत, पर्सनल ट्रेकर, ये आप चेक करेंगे तो ये सब आप चेक करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। हम कुरान की तरफ आते हैं और यहाँ पे हम दिखाते हैं कुरान सूरत, सूरत फातिहा, सिपारा माए कुरान, और मस्जिद के अंदर हम आए दोस्तों, तो वह सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी दोस्तों। तो ये थी हमारी टॉप 2 ऐप मुसलमानों के लिए। आप मस्जिद सर्च करेंगे दोस्तों, इसके अंदर सबसे ज़बरदस्त जो है वो यही पे कि आपको जितने भी मसाजिद होगी दोस्तों वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाएगी आपकी लोकेशंस के, आपकी नज़दीक जो भी यानी कि मसाजिद से दोस्तों वो यहाँ पे आ जाएगी, फिर आप यानी कि जा सकते हो अगर आप किसी नई जगह चले जाएँ। तो चलते हैं अपनी तीसरी ऐप की तरफ। तो दोस्तों जो मेरी तीसरी ऐप है इस्लामिक, वो है मुस्लिम किड्स दुआज दोस्तों। ये आप अपने बच्चों को, अपने नेफ्यू, अपने नीस वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों। इसके अंदर जितने भी मसनून दुआएं जिसको एक बंदे को यानी कि बच्चे को पता होना चाहिए वो सारी यहाँ पे है, और अफसोस की बात है कि हमारे बच्चों को ये दुआ वगैरह सब पता नहीं होती दोस्तों। तो वो आप यहाँ से बच्चों को थोड़ी से ट्रेन कर सकते हो, उनको ये सब बता सकते हो। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वेन वेकिंग अप, जब आप सुबह उठते हैं तो इसकी ये दुआ, इसको यहाँ पे प्ले करेंगे तो वो आपके सामने यहाँ पे प्ले हो जाएगा। फिर मैंने माइक लगाया, आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी, तो ये सब आप यहाँ पर कर सकते हो दोस्तों। अपने बच्चों को यहाँ से आप दुआएँ पढ़ा सकते हो, उनको सिखा सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों ये थी मेरी 3 ऐप इस्लामिक, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।